अनूपपुर जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दार सागर ग्राम पंचायत के गंभीरवा टोला स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में 5 अलग अलग कक्षाओं के 62 छात्र छात्राओं को एक ही कमरे में बिठाकर शिक्षा दी जा रही है। स्कूल की बदहाली का आलम यह है कि एक ही भवन में प्रधानाचार्य का ऑफिस और 5 कक्षाएं संचालित हो रही है। छात्र और छात्राओं के लिए विद्यालय में ना तो पीने का पानी, न पढ़ने के लिए भवन और न ही विद्यालय में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, जबकि विद्यालय में पढ़ने वाली 62 छात्राओं में से 85% छात्राएं आदिवासी बहुल समाज की हैं। एक ही भवन में संचालित 5 कक्षाएं और ऑफिस शासकीय प्राथमिक विद्यालय गंभीरवा टोला दारसागर में संचालित की जा रही है। प्राथमिक विद्यालय में वैसे तो 4 भवन है जिसे बाहर से डेंटिंग पेंटिंग कर चमका कर मेंटेनेंस के नाम पर राशि का आहरण भी कर लिया गया है, लेकिन वास्तविकता में प्राथमिक विद्यालय गंभीरवा टोला में एक ही भवन में पहले से लेकर 5वीं तक की छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, भवन में प्रधानाचार्य का ऑफिस भी संचालित है। ऐसे हैं हालात कि इस जानलेवा गर्मी में भी छात्रों को एक ही भवन में बैठकर पढ़ना पड़ता है। आश्चर्य की बात यह है कि सालों से मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए निकाले जा रहे हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालय की स्थिति बद से बदतर है। ना पीने को पानी, ना शौच की व्यवस्था। विद्यालय में नल लगा दिया गया है, लेकिन उस नल पर पानी आने की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। विद्यालय में स्थित एकमात्र कुआं भी ढह गया है, जो कि भविष्य में छात्र छात्राओं के लिए मुसीबत का सबब जरूर बन सकता है। ना तो छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही विद्यालय में शौच जाने के लिए बच्चों के शौचालय की व्यवस्था है, जो कि बेहद चिंताजनक है। भवन को बाहर से डेंटिंग और पेंटिंग कर मेंटेनेंस के नाम पर वसूली तो कर ली जाती है, लेकिन वास्तविकता में छात्रों का भविष्य संकट में डालकर अधिकारी अपना काम पूरा कर लेते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शासकीय प्राथमिक विद्यालय गंभीरवा टोला में मेंटेनेंस डेंटिंग पेंटिंग के नाम पर हर वर्ष लाखों रुपए प्रशासन के खाते से निकाल दिए जाते हैं, लेकिन छात्रों के पढ़ने के लिए प्राथमिक विद्यालय में भवन में ना तो मेंटेनेंस का काम कराया जाता है और ना ही किसी प्रकार की अन्य व्यवस्था छात्र छात्राओं के लिए की जाती है। हाल ये है कि बाहर से चकाचौंध दिखने वाले प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं एक ही भवन में 5 कक्षाओं के संचालन के बीच बदहाल शिक्षा के हालातों में भी पढ़ने के लिए विवश हैं। वहीं ग्रामीणों का इस मामले में कहना है कि कई बार शिकायतें करने के बाद भी अभी तक प्राथमिक विद्यालय पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया है। अनूपपुर से प्रहलाद गुप्ता की रिपोर्ट। मीरवा टोला का प्राथमिक शिक्षा केंद्र है जहाँ क्लासेस लगती हैं, 1 से लेकर 5 तक के बच्चे एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ रहे हैं। कब से ऐसी समस्याएं आ रही हैं और उसको लेकर क्या आप लोगों ने कभी शिकायत की या कुछ ऐसी बातें सामने आई क्या? जी, हमने सीओ को भी शिकायत की और सीओ साहब को यहाँ लाए भी थे, उनको दिखाए थे भी जाँच के लिए। ये हमारे बगल में यहाँ कुआं भी ये जो पूरी तरीके से बरसात में भसक गया, कोई इसको ध्यान नहीं दे रहा है। कितनी कक्षाएं लगती हैं यहाँ? ये 1 से लेकर 5 तक। और सारी कक्षाएं एक ही रूम में रहते हैं सर? एक ही रूम मतलब एक ही कक्षा है, बाकी 5 क्लासेस में एक ही कक्षा में संचालित हो रही है। बस उसी में अपने टेबल कुर्सी अपने अलमारी वगैरह सब उसी कमरे में। एक ही रूम में कार्यालय और कक्षा दोनों संचालित की जाती है 5 क्लास। लगभग 60 से 62 बच्चे हैं और जी सारे आदिवासी। सांसद का ससुराल है यहाँ पे, उनके पति यहाँ से हैं, उसके बाद भी ये दिक्कतें आ रही हैं? जी, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा, और पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ? पानी यहाँ ये मिनी हाईवा क्रॉस करके बच्चे पानी पीने जाते हैं, उनको बहुत दिक्कत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, और यहाँ जो है वहीं से पानी, यहाँ नल बनाया गया है उसके बाद? सिर्फ ये फॉर्मेलिटी है, नल है, यहाँ कोई पानी यानी उपलब्ध नहीं है। कोई पानी उपलब्ध नहीं है जी? छोटे छोटे बच्चे जो है लाइन क्रॉस करके या रोड क्रॉस करके पानी पीने जाते हैं? मिनी हाईवे क्रॉस करके जाते हैं। अच्छा, ये कितने साल इस संचालित होते हो गया होगा आपके? ये काफ़ी दिन से है और ये अभी अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, ये जर्जर हो गया। हाँ जी, पूरे स्कूल जर्जर हो गया है। अच्छा अच्छा, और बच्चे इस धूप में कड़क धूप में ये बरामदे में जो है इनको पढ़ाया जाता है, जब ज़्यादा धूप हो जाए तो एक कमरे में जो है सबको रखा जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह श्याम, लोकल जी। अगर मैं 5 कक्षाओं की प्राथमिक शाला है सर, वहाँ ना कक्षाएं हैं ना रूम है सर, और ना पानी की सुविधा है बच्चों को, उसको लेकर सर बार बार शिकायतें जाती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई सर अभी तक। ये स्कूल के संबंध में मुझे अभी कोई मामला संज्ञान में नहीं आया, आज जानकारी हो रही है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो मैं संबंधित विभाग के अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करके मेरा काम कराने का प्रयास करूँगा। नया नाम है, कौन सी कक्षा में है? कक्षा 5 में है। आपके स्कूल में कितनी कक्षाएं हैं? क्लास कितनी है?
नहीं वो तो पांच कक्षाएं हैं। कितने रूम में पढ़ाई होती है, कहाँ पे आप लोग बैठते हो? सारे के सारे एक ही जगह बैठते हो, एक ही क्लास में बैठते हो, यहीं पे? और कब से बैठ रहे हो बेटा आप लोग ऐसे? कितने साल से यहाँ पढ़ रहे हो आप? तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।